रितु क्या हुआ रितु 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 बोलो ना क्या हुआ घोड़ा नहीं रितु कोई घोड़ा नहीं है सब ठीक हो जाएगा रितु रितु मैं हूँ आपके साथ कुछ नहीं होने दूंगी आपको सोचो आंखें बंद कर सर घोड़ा का तो बहुत मतलब निकाला जा सकता है जैसे जानवर घोड़ा और मुंबई में तो सीढ़ी को भी घोड़ा कहते हैं और रिवॉल्वर को भी तो घोड़ा कहते हैं और मर्डर वेपन तो घोड़ा ही था ना रिवॉल्वर इसलिए वो लड़की ना गन के बारे में ही बात करती होगी घोड़ा घोड़ा आई डोंट थिंक सो विली एक छोटी सी बच्ची को कैसे पता चलेगा कि मुंबई में रिवॉल्वर को घोड़ा कहते हैं वो घोड़ा कह रही थी वो घोड़ा जानवर की ही बात कर रही थी अरे जानवर तो ये सिटी की ट्रैफिक हो गई है देख रहा हूँ कि आज आप रिक्शा में आई हैं। तुमको कैसे पता कि मैं रिक्शा से आई हूँ क्योंकि आपका हस्बैंड सोली बाबा जी है कल संडे था उसने अपनी गाड़ी को पॉलिश किया होगा आज मंडे बरसात हो रही है सोचा होगा कि अब क्या गाड़ी निकालें गंदी हो जाएगी पॉलिश खराब हो जाएगी इसलिए आपको रिक्शा लेना पड़ा सर लेकिन मिसेस बिलमोरिया टैक्सी में भी तो आ सकती है रिक्शा ही क्यों हाँ आ सकती थी अच्छा होता अगर आती तो इस तरह भीगती नहीं और मिसेस बिलमोरिया एक ही तरफ से लेफ्ट साइड से भीगी हुई है अर्थात ये रिक्शा में लेफ्ट साइड पे बैठी थी केडी तुमसे तो कोई नहीं बच सकता मुझसे व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता जब तक वो दोषी हो ओए बुढ़ाऊ ओए ओए कहाँ जा रहा है इधर आ अबे बहरा हो गया क्या इधर आ जुदोदार क्या तेरा मालिक तुझसे कुछ काम करने को कह रहा है जुदोदार मेरे जूते उतार तेरी तुम्हारा इस घर में जो मेरी बात नहीं मानेगा वो घर के बाहर तलवार कमीने का बेटा कमीना निशान यहां कैसा अरे होगा दाग किसी चीज का लेकिन आप एक बात बताइए जब केस क्लोज हो चुका है तो आप इन्वेस्टिगेशन किस बात की कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ राज हैं जो खुलने बाकी हैं लैब की रिपोर्ट कब तक आएगी सर कल सुबह तक तब हमारा शक भी पक्का हो जाएगा जो भी हो इस स्तर पर एक बात तो तय है किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो तुम ये आप उससे क्या पूछ रहे हैं मिस्टर पाठक आपने खुद कोर्ट में मुझे कातिल प्रूव किया है मैंने भी एक्सेप्ट किया है वो जो भी हो मैं जानता हूं कि वास्तविकता कुछ और ही है सत्य कुछ और ही है सत्य क्या है बताओ ये आप कैसे कह सकते हैं देखो प्रतीक अदालत और कानून की हर गली से मैं गुजरा हूं यह जानने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो क्यों कर रहे हो किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो बताओ मेरी कोई मजबूरी नहीं है कातिल मैं ही हूं और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं
ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बताना आवश्यक समझता हूँ कि तुम्हें जो दंड दिया गया है उसे मैंने चुनौती दी है उच्च अदालत में। कोई जरूरत नहीं मिस्टर पाठक, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सारी दुनिया को भी यकीन है कि यशोधरा के पेरेंट्स का कातिल मैं ही हूँ। तुम्हारे पिताजी का भी फोन आया था जयपुर से, उनके कहने पर यह सब किया मैंने। उन्हें भी विश्वास है और मुझे भी कि तुम झूठ बोल रहे हो, हत्या तुमने नहीं की, असल हत्यारे को तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए आप बेकार में ही उन्हें, जो भी होगा कल अदालत में होगा। चंद्रु कृपलानी। अरे कृपलानी साहब, बहुत नाम सुना है आपका। लॉ मिनिस्टर का पीए रह चुका हूँ। जी जी, अटर्नी जनरल की भी बात चल रही थी तबियत साथ नहीं देती ना। जज साहब पधार रहे हैं। मिस्टर पाठक, अदालत की आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस अक्यूज के खिलाफ आपने निचली अदालत में यह केस लड़ा और जीता भी, और अब योर ऑनर ये केस हारना चाहते हैं, क्यों मिस्टर पाठक? लगता है बार बार जीतने से आप थक गए और आगे की जिंदगी जीने के लिए आप हारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए ये तमन्ना भी मैं आपकी पूरी कर दूंगा। Your Honor, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर मेरी सजा से किसी को तकलीफ होगी तो वो सबसे ज्यादा मुझे होगी। मैं जानता हूं मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसका प्रायश्चित ये सजा काट कर ही होगा, तो फिर मिस्टर पाठक ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है मिस्टर पाठक। जिस क्लाइंट को आप डिफेंड करने आए हैं वो क्लाइंट खुद आपके साथ नहीं है, तो ये केस कैसे लड़ेंगे आप? योर ऑनर, मैं कहूंगा कि आप प्लीज इस केस को क्लोज कर दीजिए और मुझे जेल वापस भेज दीजिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या तुमने की है? हाँ मैंने ही किया है, अपने खून से लिख कर दूं। बताइए अदालत को कि कैसे ये हत्या किया? कमऑन मिस्टर पाठक, अब ये सारी कहानी हो चुकी है, मैंने एक एक डिटेल दी है कोर्ट को। हाँ निचली अदालत में, ये ऊंची अदालत है, एक बार फिर वही कहानी दोहरा दीजिए। अरे बोल दो प्रतीक, बोल दो, इसी बहाने अदालत का टाइम भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, मैं उस रात यशोधरा के साथ उसके घर गया था, मुझे वहां देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो उठे। तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ संडे दूंगा? देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। तो आपका यह कहना है प्रतीक जी कि माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में उनके बेडरूम में हुई? जी। योर ऑनर, प्रतीक झूठ बोल रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में नहीं, रितंभरा के कमरे में हुई थी। ऑर्डर ऑर्डर। इस बात का आपके पास कोई ठोस सबूत है या फिर हुई तुक्का फेंक रहे हैं? योर ऑनर, जब मैं रितंभरा से मिलने हवेली गया था उसके कमरे की दीवारों पर मैंने देखा रंग उड़ा हुआ था योर ऑनर, कुछ निशान लगे हुए थे इस प्रकार के, जब कोई व्यक्ति दीवार से कुछ पोंछने का प्रयास करता है तब पड़ते हैं योर ऑनर। उस समय तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किंतु निचली अदालत में जब प्रतीक के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया तो मैंने देखा कि यह
ये देखकर मेरा संदेह जागा और मैंने अपने सहायक वरुण को एक बार फिर उस कक्ष का निरीक्षण करने भेजा। योर ऑनर, ऐसा गन तो सूखे हुए रक्त का होता है, ड्राइड ब्लड। माफ करना, सूखे हुए ब्लड के भाग तो किसी मच्छर के भी हो सकते हैं जो दीवार पे बैठा हो, कोई खटमल भी हो सकता है जिसे दीवार पे मार दिया गया हो। जी नहीं योर ऑनर, ये रक्त किसी मच्छर का नहीं था, माधवेंद्र जी का ही था। स्पष्ट है कि रितंभरा के कक्ष में उनकी हत्या की गई और हत्या के समय उनका रक्त उड़कर दीवार पर जा गिरा। पर अपनी बात को आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर पाठक? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, ये डॉक्टर गोवा है, बायोसाइंटिस्ट। आपकी अनुमति हो तो इन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है मिस्टर गोवा, आप जो अपने प्रयोगशाला में जो जांच आपने किया उसकी प्रक्रिया और परिणाम के बारे में अदालत को बताइए। योर ऑनर, जिनरेट पार्टिकल्स के ड्राइड सैंपल्स को लेके वरुण मेरी लैब में आया था। जब मैंने उनका टेस्ट किया तो पता चला कि वो एक्चुअल में ब्लड पार्टिकल्स हैं, और DBS टेस्टिंग में, आई मीन डायरेक्ट ब्लड स्पॉट टेस्टिंग में, उन पार्टिकल्स के DNA और ब्लड ग्रुप के जो रिजल्ट्स मिले हैं वो माधवेंद्र सिंह के ब्लड सैंपल से परफेक्टली मैच करते हैं। जिसका अर्थ ये होता है कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या रितांभरा के कक्ष में की गई थी, उनके अपने बेडरूम में, उनके अपने शयन कक्ष में नहीं। जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि प्रतीक झूठ बोल रहा है। प्रतीक, आपका झूठ तो पकड़ा गया, अब सच सच बताइए, किसे बचाने के लिए आपने यह आरोप अपने सर लिया? योर ऑनर, मेरे और यशोधरा के घर पहुंचने से पहले ही दोनों खून हो चुके थे। ये सत्य तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि खून ऐसे इंसान ने किया जिसका मेरे परिवार, मेरे बाप दादाओं पर बहुत बड़ा एहसान है, जो हम अपनी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकते। उनकी जिंदगी बचाकर मैंने अपना बोझ हल्का करने की कोशिश की। कौन? सॉरी भरमल काका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्डर ऑर्डर। ए छोरे, क्या बोल रहा है तू? मैं बोलना नहीं चाहता काका, पर मुझे याद है मेरे दादाजी, जिनकी सारी जमीन, घर बार, गांव के जमींदार ने हड़प ली, भूखे मर जाते वो लोग। अगर आपने उन्हें सहारा देकर... सब ठीक है, मैं किसी पहचान करके याद नहीं रखता, लेकिन ये जो अभी बोला तू, क्या बोला वो बोल कि मैं क्या? योर ऑनर, उस रात जब मैं घर पहुंचा तो भरमल काका, यशोधरा मुझसे बुलवाने की लाख कोशिश करती रही, पर मैंने भरमल काका का नाम नहीं बताया। और फिर तुमने वो तिजोरी खोली, सामान निकाला और संतोष को फंसा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल प्रतीक से करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर प्रतीक, आपने कहा कि माधवेंद्र जी और उनकी पत्नी की जब हत्या हुई तो तब आप वहां पे नहीं थे। अगर आप वहां पे नहीं थे तो आपके हाथ पे गोली कैसे लगी? तो जब मैं सारे सबूत मिटाने के लिए एविडेंस की सफाई कर रहा था तो गलती से गोली चल गई और मेरे हाथ को लग गई। योर ऑनर, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये हत्या प्रतीक ने नहीं, किसी और ने की। साहब, मैं कुंवर जी का खून कर ही नहीं सकता, मैंने बरसों उनका नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। बल्कि जज साहब, कुंवर जी तो मेरे लिए भगवान थे, भगवान।
आपने अपने भगवान को कमीना क्यों कहा था? तलवार। कमीने का बेटा कमीना। अद्भुत बात है कि आपने अपने भगवान के लिए इतने कठोर और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया। ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसके कारण आपने उन्हें और उनकी पत्नी को मारकर अपना प्रतिशोध लिया? जैसा मैंने कहा ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्रतीक ने आपको घर से भागते हुए देखा। गलतफहमी हुई उसको। मैं तो उस रात हवेली में गया ही नहीं। नहीं काका, वो आप ही थे। मैंने देखा था आपको। नहीं, झूठ। सब मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुंवर साहब को नहीं मारा। झूठी कसम मत खाओ अपनी बेटी की। अगर आज वो यहाँ होती तो नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? मत घसीट मेरी बच्ची को इस आग में, मत घसीट। सब मेरी ही गलती थी, मेरा ही दोष था सब। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। अगर अदालत का समय खत्म नहीं होता तो बर्मल काका अपना जुर्म जरूर कबूल कर लेते हैं। संभवतः बर्मल पे तो मुझे उसी दिन से संदेह है जब उसने देखिए बहुत हो गया। उसका बर्ताव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नहीं चाहता कि मैं सत्य तक पहुंचूं। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं? किंतु ये वरुण कि अदालत में आज बर्मल अपनी पुत्री की कसम खाते खाते इतना भावुक क्यों हो गया था? नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? पता लगा सर। सर मैं पता लगाता हूँ उसकी बेटी कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। उसका नाम उज्ज्वला था। आइए बेटी। बात लगभग 10 साल पुरानी है। भरमल काका की छोटी बेटी उज्ज्वला राजस्थान से मुंबई आई थी डॉक्टरी की परीक्षा के लिए। वह आउटहाउस में मेरे साथ ही रही थी मेरे कमरे में। रात का समय था। अरे रानो, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया। सच में बहुत मजा आ गया खाना खाके। अच्छा अब जा, ऊपर जाके सो जा। बहुत दूर से आई है, थक गई होगी ना। हाँ। और मैं हवेली होकर आती हूँ। ठीक है। अरे कुंवर जी, आप यहाँ इतनी रात को? लेकिन ऊपर तो भरमल काका की बेटी उज्ज्वला सो रही है। मालूम है मुझे, वो डॉक्टर है ना। मेरी पीठ में 2 दिन से दर्द हो रहा है, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। तू जा, तू एक काम कर, तू आधे घंटे के बाद आइयो। लेकिन जा। उसने कूद कर जान दे दी है, पढ़ाई से परेशान थी वो। लेकिन कुंवर जी, किसी को बताना मत वरना जान ले लूंगा तेरी। लेकिन कुंवर जी, चलो ये रख सोने की चेन, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन हाँ, ये राज राज ही रहना चाहिए। भरमल या किसी और आदमी को इस बारे में भनक भी लगी ना तो देख लेना, इस सोने की चेन की बजाय लोहे की चेन डाल दूंगा गले में। और तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। चल जा। लालच और डर के मारे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी को पता नहीं चला कि उज्ज्वला की मौत क्यों हुई थी, उसने आत्महत्या क्यों की थी।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भरमल काका को शक होने लगा कि कहीं कुंवर जी के कारण तो उज्ज्वला ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुटते रहे, कुंवर जी के एहसानों के तले मरते रहे वो। तो फिर भरमल काका ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? किसमें इतनी हिम्मत थी साहब, जो कुंवर जी के खिलाफ पुलिस में जाता, वो भी बिना सबूत। कुंवर जी ने भरमल काका के कंधे पर एक हाथ रखा और उनका सारा गुस्सा वहीं धुल गया। वो हवेली छोड़ के चले गए, लेकिन शायद उस रात उनका सब्र का बांध टूट गया था। अरे भरमल काका, इतने महीनों बाद लगता है गांव में मन नहीं लगा आपका। ठीक कह रही है, मन की शांति के लिए ही आया हूं। एक अधूरा काम पूरा करना है। कौन सा काम? एक बहुत जरूरी काम। 10 साल से अपने भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला दबा कर रखी थी आपने, उस रात वो बांध टूट गया। उस कमीने ने ही मेरी बेटी की जान ली है और इसकी मौत ही उसकी सजा थी। और उस रात आपने उन्हें नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। काश जज साहब मैंने उसे मारा होता तो मैं आज भरी अदालत में छाती ठोक के कहता कि कुंवर जी की जान मैंने ली है। मैंने ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना मैंने कुंवर जी को मारा और ना ही मैंने राजकुमारी को मारा। Excuse me, Your Honor. कत्ल तो हुए हैं और दोनों कत्ल हुए। कुंवर साहब की हत्या का कारण तो बता दिया मिस्टर पाठक ने, मगर प्रेमदा उसका कत्ल क्यों करेगा? अर्थात आपके अनुसार इन्होंने माधवेंद्र जी की हत्या की है किंतु प्रेमदा जी की हत्या नहीं की, यही कहना चाह रहे हैं? सॉरी Your Honor, इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। अब बर्मल और पारमेंद्र की घटना हुई वो सच भी है या झूठ, ये कौन बता सकता है? ये सच है, जिसे इस औरत ने अपने लालच के लिए छिपाए रखा। महल की रानी बनने का ख्वाब जो देख रही थी, रानो और कुंवर जी के बीच बहुत कुछ चल रहा था। कल सुबह 6 बजे आना, रितु की स्कूल शुरू हो गई है। जी मैम साहब, आ जाऊंगी। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, माना कि मेरी बुरी नजर थी कुंवर जी के पैसों पर, लेकिन मैंने कभी अपनी मजबूरी में। तो फिर अचानक उनके विरुद्ध क्यों बोली आप? क्योंकि उस रात उल्टा मैं ही उनकी शिकार बनी थी। मैं भरमल काका के साथ आउट हाउस में बात कर रही थी कि मुझे साहब का फोन आया। हाँ साहब जी, आती हूँ। कमीना साला, लिचड़ कहेगा, पाप का घड़ा भर गया है। मेरे लिए तो ये जैसे रोज की ड्यूटी थी। ऊपर कमरे में पहुंची, मैं बहुत देर वहां पे अकेली ही बैठी हुई थी। वो दरवाजा बंद था या खुला? दरवाजा सटा हुआ था। माधवेंद्र जी कैसे, कब अंदर है? वो आए ही नहीं, फिर मेरी भी आंख लग गई। फिर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। फिर आप वहां से निकलकर बाहर कब गई? काफी देर बाद, जब मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है बाहर, बस तब। और फिर मैं अपने आउट हाउस के कमरे में जाकर दोबारा सो गई। और जब आप वहां पहुंची तो भरमल काका वहां थे?
नहीं, भरमल काका वहां नहीं थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भरमल काका ने तो कुंवर जी को नहीं मारा। लेकिन मैं चुप रही, मुझे लगा कम से कम उनको तो उनका इंसाफ मिला, इसलिए मैंने आज तक सच्चाई छुपा के रखी। रानो के जाने के बाद मैं आउट हाउस में दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मुझे दो गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी, जो कि हवेली के अंदर से आई। मैं उस तरफ भागा, तभी किसी कदमों की हाट मुझे सुनाई पड़ी। साहब, ये ही अपने माँ बाप का हत्यारा। अरे क्या बकवास कर रहा है पागल बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, ये बिना वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तुझे क्या फंसाऊंगा, सुना नहीं तूने तेरी बहन ने क्या कहा था? खोड़ा जैसा पूछिए, बचपन से पढ़ाई लिखाई में भले सिपर रहा हो, लेकिन घुड़सवारी में एकदम होशियार। पूछिए इससे कि घुड़सवारी में ये सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं। अरे तू सठिया गया है बुड्ढे, सठिया गया है। उन मैंने नहीं, तूने किया, तूने, प्रतीक ने तुझे घर से भागते हुए देखा है, मुझे नहीं। योनर, अगर भरमल नहीं तो हो सकता है कि रानो ने ये खून किया, उसके पास भी तो मकसद है, और वो तो मेरी छोटी बहन रितु के साथ घोड़ा बनकर खेलती भी है, हो सकता है वो इसका नाम ले रही हो। योनर, मेरे पेरेंट्स का खूनी भरमल हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, रानो हो सकती है, सब लोगों को मैं ही क्यों दिखाई दे रहा हूं? इज राइट मिस्टर पाठक, इस कत्ल के पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कातिल कौन है। मिस्टर पाठक, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, जो भी बताना था मैंने सब बता दिया आपको। पहले तुमने कहा कि हत्या तुमने की, और अब ये कह रहे हो कि भरमल ने हत्या की। फिर तुमने कहा कि तुमने भरमल को वहां से भागते हुए देखा, जबकि भरमल वहां उपस्थित था ही नहीं। हो सकता है मैंने रानो को भागते हुए देखा हो, असली कातिल वही हो। तो रानो और भरमल में कोई शारीरिक फर्क नहीं है जो तुम्हें इतना बड़ा धोखा हो गया? रात का समय था, शायद मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। प्रतीक तब भी गुमराह कर रहा था, अब भी गुमराह कर रहा है। रानो और भरमल एक महिला एक पुरुष, दोनों का कदकाठ ही अलग, दोनों की पोशाक अलग। ऐसा भी नहीं कि उस रात घोर अंधेरा था, तो फिर पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? इसका मतलब प्रतीक किसी को बचा रहा है। कोई और ही व्यक्ति है विशेष, कोई निकट का, जिसके साथ उसका भावनात्मक रिश्ता हो। सर, इसमें तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आ रहा है, यशोधरा। किंतु वो तो प्रतीक के साथ ही थी, और हत्या उससे पहले हुई। एक और सस्पेक्ट है, प्रिंस का बेटा रौनक। हाँ, लेकिन वो तो एक बच्चा नावारा लड़का है, उसे बचाने के लिए प्रतीक के जुर्म अपने सर क्यों लेगा? सर, एक नाम है जिस पर हमने गौर नहीं किया, रितांभरा। वो छोटी सी बच्ची? हाँ, मुझे लगता है कि प्रतीक उसे ही बचा रहे सर, क्योंकि अगर छोटी बहन को सजा हो गई तो यशोधरा बुरी तरह से टूट जाएगी, और दोनों सिस्टर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बनी रहे इसीलिए प्रतीक ने कत्ल का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये संभव नहीं है कि एक 10 साल की छोटी बच्ची अपने माता पिता की हत्या करे। सर, आपने पहले भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जहां पर असंभव आखिर में संभव हुआ है। उस डबल मर्डर की एक ही आई विटनेस है रितंबर, और शायद चश्मदीद गवाही कातिल है। मिस्टर पाठक, असली कातिल की पहचान हुई कि नहीं? जी योर ऑनर, असल हत्यारे की पहचान हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश। अच्छा तो मिस्टर पाठक, अब वापस लौट कर वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी, यानी कि मिस्टर प्रतीक ही मर्डर है, करेक्ट? जी नहीं सर, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ये हत्याएं रितंभरा ने की। कैसी बातें करते हो मिस्टर पाठक, एक 10 साल की बच्ची भला कैसे अपने माँ बाप का कत्ल कर सकती है? योर ऑनर, मैंने प्रतीक का केस इसलिए लिया
क्योंकि मैंने देखा कि रितंभरा प्रतीक को अपने बड़े भाई समान मानती है, बड़े भाई जैसा प्यार करती है। और उस रात यूरोन जब रितंभरा के पिता ने प्रतीक को मारना चाहा तो ये दोनों हत्याएं 10 साल की छोटी बच्ची रितंभरा ने की। नहीं, मेरी बहन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। देखिए यशोधरा जी, आपकी बहन ने ये हत्याएं की है और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है, मैं जानती हूँ। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हत्या मैंने की, हत्या मैं कातिल हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। यही सुनना चाहता था आपके मुख से। क्षमा चाहता हूँ आपके मुख से उगलवाने के लिए मुझे आपकी छोटी बहन के बारे में ये काल्पनिक कथा कहनी पड़ी। आइए कटकर। मैं जब उस रात प्रतीक के साथ घर पहुंची तो मैं ना जाके पापा को बुला के लाती हूँ, तुम तब तक बैठ जाओ। उसके बाद मैं पापा को प्रतीक से मिलाने के लिए बुलाने गई। पापा अपने कमरे में ही थे। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा बहुत गुस्से में थे। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड का नाम, उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, और तो और हमारी बिरादरी में वो सबसे नीचे है। पापा, आज के टाइम पर भी आप कास्ट और ये बस, सब मैंने कह दिया सो कह दिया। उस लड़के से दूर रहो, वरना उस लड़के को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा। और शोर सुनकर प्रतीक भी ऊपर आ गया। पापा ने गल निकाली और नाली के कीड़े, तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? और प्रतीक को गोली मार दी। मुझे गुस्सा आया, मैंने पापा के हाथ से गन छीनी और तूने ये सब देख लिया। और फिर मुझे बचाने के लिए प्रतीक ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। वो खून के छींटे जो रितंभरा के शयन कक्ष के दीवार पर थे, इस कमरे से उस कमरे तक कैसे पहुंचे छींटे खून के? वो जब ये सब हुआ तो ऋतु अपने कमरे से उठकर पापा के कमरे की तरफ आने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मम्मी पापा की लाश देखे, इसलिए मैं उसे वापस उसके कमरे में ले गई। मेरे हाथ पे खून लगा था तो शायद मेरा हाथ दीवार पर लगा होगा और वो खून दीवार। आपके हाथ से अगर वहाँ दीवार पर लगा होता, आपके हाथ पर खून, आप पंजे का निशान आया होता ना, छींटे कैसे आए वहाँ खून के? वो घोड़ा जिसका जिक्र रितंभरा कर रही थी, घोड़े का क्या है? घोड़ा जो रितंभरा बोल रही थी, वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं बता सकती हूँ, कुंवर जी के पीठ पर घोड़े का गोदन था। आपको कुछ कहना है मिस्टर पाठक? जी नहीं योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। गोरा, पूछे इससे कि घुड़सवारी में ये सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं। कुंवर जी के पीठ पर घोड़े का गोदन था। तमाम पक्षों को सुनने के बाद ये अदालत यशोधरा सिंह को उनके माता पिता के कत्ल के इल्जाम में। योर ऑनर रुके, मिस्टर पाठक,
आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जज जब अपनी स्टेटमेंट सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ योर ऑनर, अभी अभी घोड़े का रहस्य मेरी समझ में आया है। तो आप बाद में भी बता सकते थे ना योर ऑनर, इससे आपके निर्णय पे संभवतः कोई असर ना पड़े, किंतु हत्या का कारण अदालत के सामने आ जाएगा। क्या है असली कारण योर ऑनर? जैसा कि अभी अभी रानो ने कहा कि माधवेंद्र सिंह जी के पीठ पर घोड़ा गुदा हुआ था। किसी की पीठ पर गुदा हुआ वो चित्र हम तभी देख सकते हैं योर ऑनर जब इंसान के बदन पर वस्त्र ना हो। इसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि माधवेंद्र सिंह जी रितंभरा के सामने बिना वस्त्र के। छी 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 मिस्टर पाठक, आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बाप अपनी बेटी के साथ छी। ये बात सच है मिस्टर पाठक के माधवेंद्र सिंह उतने साफ सुथरे छवि के इंसान नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी सगी बेटी के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। यस मिस्टर पाठक, ये सही बात नहीं है एक मरे हुए आदमी को दरिंदा कहना। दरिंदा ही था वो, मेरा सौतेला बाप। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पापा की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, मैं बहुत छोटी थी। उस आदमी ने मेरा गलत फायदा उठाया, माँ के कहने पर मैं चुप रही उम्र भर, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका अगला शिकार मेरी छोटी बहन ऋतु है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। चलाई तो गलती से माँ बीच में आ गई और माँ को यशु, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, इसकी वजह से मेरी माँ मर गई, मार डालूंगी इसे, छोड़ो यशु, गन छोड़ो। Your Honor, किसी की हत्या करना अपराध होता है और ऐसे घिनौने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। आप निर्णय सुनाए उससे पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यशोधरा ने हत्या की है किंतु क्यों और कैसी परिस्थितियों में? योर ऑनर, हत्या की सजा 14 साल होती है और 14 साल से यशोधरा भुगत रही है। अपनी बहन को एक राक्षस से बचाने के लिए इसने हथियार उठाए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इसे जहन में रखकर अपना निर्णय सुनाए। The defense rests। यह अदालत आज इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। यशोधरा के साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ और जिन परिस्थितियों में उसने अपने माता पिता पर गोली चलाई,
उन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये अदालत यशोधरा सिंह को किसी भी तरह का दंड देना उचित नहीं समझती, लिहाजा उन्हें मुक्त करती है। प्रतीक राज को, जिसने दूसरे के जुर्म को अपने सर लेकर पहले तो अपने नौकर संतोष नायक पर इल्जाम लगाया और फिर अन्य लोगों का नाम लेकर जिस तरह से अदालत को गुमराह किया है, उन सबको देखते हुए इसे 3 साल की कैदे में मुशक्कत की सजा सुनाती। द केस इज क्लोज। वेल डन मिस्टर पाठक। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सॉरी, आप ये हर बार केस जीत कैसे जाते हैं? मूल मंत्र बताऊं आपको कृपलानी साहब? सत्य में ही बचाए थे।